आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में सदिश विधि से सिद्ध करें कि सी बराबर ए कॉस बी धन बी कॉस ए हमारे पास है। यहाँ पर दोस्तों हमने तीन सदिश, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी लिए हैं और जो कि वामावर्त दिशा में गति करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसके सम्मुख हम कोण ए, कोण बी व कोण सी हमने लिया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं वामावर्त दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। चूंकि चित्र अनुसार ऐसा हम लिख सकते हैं, इस पक्ष में हमारे पास सी दिखाई दे रहा है, सिर्फ हम सदिश सी को यहाँ रहने देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऋण सदिश ए ऋण सदिश बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मान लेते हैं इसे हम समीकरण पहला, तब यहाँ से हम समीकरण एक गुणित सदिश सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सदिश सी का वर्ग बराबर ऋण सदिश ए सदिश सी ऋण सदिश बी सदिश सी, ये हमारे पास आया। यहाँ से दोस्तों सदिश सी का वर्ग है तो इसे हम सी का वर्ग लिख सकते हैं बराबर, चूंकि हम जानते हैं यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि यदि हमारे पास सदिश अल्फा गुणित सदिश बीटा दिया हो और इनके मध्य का कोण यदि थीटा हो तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मॉड ऑफ सदिश अल्फा मॉड ऑफ सदिश बीटा गुणित कॉस थीटा, ये हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इसे हम ऋण सदिश ए सॉरी मॉड ऑफ सदिश ए गुणित मॉड ऑफ सदिश सी गुणित कॉस। अब इसके मध्य का कोण हमारे पास क्या है, सदिश ए व सदिश सी की मध्य के कोण की बात करें तो ये हमारे इसका मध्य का कोण हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ऋण बी आ जाएगा थीटा के जगह में। इसी प्रकार ऋण मॉड ऑफ सदिश बी मॉड ऑफ सदिश सी गुणित कॉस, इन दोनों के मध्य का कोण क्या आ जाएगा, बी व सी इनके मध्य कोण पाई ऋण ए हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया कॉस पाई ऋण ए। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि कॉस पाई ऋण थीटा हमारे पास हो तो इसका हल आता है ऋण कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम लिख लेंगे सी का वर्ग बराबर ऋण ए सी गुणित यहाँ से कॉस पाई ऋण बी है तो ऋण चिन्ह सामने आ जाएगा जैसे हमने दर्शाया यहाँ पे, तो ऋण कॉस बी ऋण बी सी गुणित ऋण कॉस ए, ये हमारे पास आया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं सी का वर्ग, यहाँ पे दोनों पदों में सी है, सी को बाहर निकाल लेते हैं, ऋण चिन्ह आपस में जुड़ा होकर बन जाएगा हमारे पास ए कॉस बी, ये धनात्मक आ जाएगा। इसी प्रकार आगे दो बार ऋण ऋण चिन्ह आपस में जुड़ा होगा, धन बन जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी कॉस ए। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों से सी हमारा कट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बराबर ए कॉस बी धन बी कॉस ए, ये हमारे पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें यही सिद्ध करना था, सी बराबर ए कॉस बी धन बी कॉस ए, तो यह हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, तो हम लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।